नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। पिछली बारी हमने आपसे बेसन का ढोकला का रेसिपी शेयर किया था, उस पे आपने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर आपसे ढोकले का रेसिपी शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बार बेसन का नहीं सूजी का हो, जिसके लिए लिए हैं 1 कप सूजी, 1 कप दही, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। ये जो पानी था उसे हमने दही वाले बर्तन में ही रख लिया, इसके वजह से वो दूध जैसा दिख रहा था। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख लें। प्री हीट होने के लिए अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें हम स्टन डाल देंगे। अब हम 2-3 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम ढक देंगे। अब हम कंटेनर में तेल लगा लेंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है, इसमें थोड़ा पानी देंगे और इसे मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें इनो डाल देंगे। अब इनो पर थोड़ा पानी डालेंगे, इसे हल्का ही फेंटेंगे। हम कंटेनर में डाल देंगे, इसे अच्छे से फैला लेंगे। इधर हमारा कढ़ाई भी प्री हीट हो चुका, इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम ढक देंगे। अब इसे मीडियम हीट पर 20 मिनट पका लेंगे। 20 मिनट हो चुका है, अब हम चेक कर लेंगे। ये तैयार हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। हमने इसे कढ़ाई से निकाल लिया, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक वो ठंडा होगा तब तक हम तड़का बना लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, नींबू, नमक, करी पत्ता, राई, चीनी पाउडर। अब हम सस्पेंड को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम तेल डालेंगे। अब इसमें राई डाल देंगे, हरी मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी पाउडर, थोड़ा नींबू, थोड़ा करी पत्ता। आप पानी डालेंगे। अब हमारा तड़का तैयार हो चुका है, अब इसे डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना। हमने जो तड़का तैयार किया था उसे अच्छे से इस पर डाल देंगे। लो जी, हो गया तैयार हमारा सूजी का ढोकला। तो कैसा लगा आपको, खा के कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।